नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधू की आनंदी यानी कि प्रत्युषा बनर्जी ने साल 2016 में आत्महत्या करके खुद की जिंदगी को खत्म कर लिया था। वहीं प्रत्युषा बनर्जी की मौत के बाद उनके फैंस को विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या के बाद ये मामले कोर्ट में चल रहे हैं और वहीं प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं इस मामले को लेकर मुंबई कोर्ट में हुई सुनवाई में कहा गया है कि दिवंगत प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं मुंबई की एक अदालत ने प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राहुल राज सिंह की आरोप मुक्ति की अर्जी को खारिज कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने कहा दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा किए गए उत्पीड़न ने उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वहीं प्रथम दृष्टि से स्पष्ट है कि राहुल राज सिंह द्वारा शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय उत्पीड़न और शोषण के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में आ गई थी। वहीं राहुल राज सिंह ने प्रत्युषा बनर्जी की समस्याओं को कम करने के लिए कोई मदद नहीं की। ऐसे में राहुल राज सिंह साफ तौर से प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में आते हैं। आपको बताते चले कि कोर्ट ने बीते 14 अगस्त को राहुल राज सिंह की आरोप मुक्ति याचिका को खारिज करते हुए ये बात कह दी है और वहीं कोर्ट की विस्तृत आदेश 31 अगस्त को उपलब्ध कराया गया है। गौरतलब है कि प्रत्युषा बनर्जी ने 24 साल की उम्र में 1 अप्रैल साल 2016 को मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपने फ्लैट पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या के बाद उनकी मां ने बेटी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं आरोपी राहुल राज सिंह की तरफ से कहा गया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। वह प्रत्युषा बनर्जी से काफी प्यार करता था और दोनों शादी भी करने वाले थे। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।